हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। मैं हूं वर्षा। ये देखिए कितने बढ़िया सीखी कटलेट्स लग रही हैं स्टार शेप के। मेरे साथ इसको बनाना और खाना चाहेंगे? तो चलिए, ये हैं ओट्स के कटलेट्स जिन्हें मैंने स्टार शेप में बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने ये हाफ बोल ओट्स लिए हैं। ये फ्लेवर्ड ओट्स है, आप देख सकते हैं इसमें ड्राइड वेजीज भी है। ये चाइनीज फ्लेवर ओट्स आज मैं ले रही हूँ और इसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, इतना पानी जिसमें कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। पैन में मैंने ये एक से डेढ़ बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और अब इसमें मैं ये चॉप अनियन ऐड करूंगी। ये एक प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करती हूँ ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप जो चाहे वो सब्जियां ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च के सौते होते ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये बॉइल्ड पोटैटो। ये एक से डेढ़ बॉइल्ड पोटैटो है। अब इसमें ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और साथ में इसमें डालते हैं आधी चम्मच काली मिर्च। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ हाफ पाउच ऑफ मैगी मसाला मैजिक। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं अपनी बहुत सी चीजों में ये ऐड करती हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत चटपटा सा फ्लेवर हो जाता है चीज का। और इसी के साथ अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये सोक किए हुए ओट्स। साथ ही इसमें डाल देते हैं खूब सारा हरा धनिया। स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, तो चलिए अब इसको ठंडा होने तक का वेट करते हैं। स्टफिंग रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और काफी अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, मैंने कॉर्न वगैरह तो ऐड नहीं किए थे लेकिन ये मसाला ओट्स था तो इसमें ऑलरेडी कुछ वेजीज तो थी ही, तो इस वजह से ये कॉर्न भी हो गए। तो अब इनको थोड़ा सा बाइंड करने के लिए, कटलेट्स बनाने हैं तो थोड़ा सा बाइंडिंग एजेंट डालना होगा, जिसके लिए मैं ये ब्रेड क्रम्स यूज कर रही हूँ। ये होममेड ब्रेड क्रम्स है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको इसमें ऐड करते हैं। फिलहाल मैं 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। इसको मिक्स करते हैं, अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे। ये देखिए, ये डो की तरह तैयार हो गया और इसमें मैंने 1 चम्मच और ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिया था, तो टोटल मैंने 4 चम्मच ऐड किया है और ये बिल्कुल एक डो की तरह तैयार हो गया है। तो चलिए अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया और अब लेते हैं इसका एक पोर्शन। आज मैं कटलेट की शेप दूंगी ये स्टार की। ये मैंने एक स्टार शेप का कुकी कटर लिया है जिससे कि मैं ये कटलेट की शेप दूंगी। आप चाहे तो आप नॉर्मल इसकी तरह से, ये देखिए ये तैयार है, अगर आप चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। परफेक्टली तैयार हो गई स्टार शेप की कटलेट। इसी तरह से बाकी कटलेट्स भी रेडी करते हैं। बहुत अच्छे से ये बाइंड हो चुका है मिक्सचर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही इसको कोई भी शेप देने में। परफेक्टली स्टार शेप कटलेट तैयार। ये लीजिए, सारे स्टार शेप कटलेट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब इनको फाइनली खाने के लिए तैयार करते हैं। पैन में मैंने 1 से 1.5 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया है। मैं कटलेट्स को शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कढ़ाई में इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस अब मैं
कटलेट को ऑयल में रखूंगी। थोड़ा सा इसको टर्न करके घी हमें फ्राई करना है। ये लीजिए तैयार है स्टार शेप कटलेट्स। ओट्स के कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बने हैं, चाइनीज फ्लेवर है तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। थोड़े से मैंने इसमें छोटे शेप बनानी थी और थोड़े से बिग साइजेस के हैं। तो जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी मुझे ये हेल्दी सी मजेदार सी रेसिपी। फिर मिलूंगी एक और रेसिपी के साथ, तब तक बाय।